Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Date 4th June 2020. Class 4th. Subject English. Topic Ladakh, the land of pauses. बच्चों आज हम कल का जो टॉपिक था उसी का दूसरा ये पैराग्राफ हम आज पढ़ने जा रहे हैं. बच्चों आप अपनी किताबें खोलें और देखें कहाँ यहाँ कहाँ से सब शुरू होता है. द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लेशियर कॉल्ड सैचन एड्स टू द ब्यूटी ऑफ दिस अमेजिंग लैंड. दिस ग्लेशियर इज 72 किलोमीटर्स लॉन्ग. दिस डिक्रीजेज टेम्परेचर्स इन लद्दाख. द टेम्परेचर इन द्रास गोज एज लो एज -50 degrees centigrade. Though a mountainous region, one can find many roads between the mountains. That is what makes Ladakh the land of pauses. Let us learn about two specialties of Ladakh: Gurgur and monasteries. The world's largest glacier called Sachem. दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर जिसे सयाचन कहा जाता है. ग्लेशियर कहते हैं बर्फानी नदी जहाँ बर्फ ये बर्फ जमा रहता है. Adds to the beauty of the amazing land. इस अजीब गरीब इलाके की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है. This glacier is 72 किलोमीटर long. जो ये ग्लेशियर है ये 72 किलोमीटर लंबा है. This decreases temperatures in Ladakh. इस ग्लेशियर से लद्दाख में दर्जे हरारत कम हो जाता है. The temperature in Dross goes as low as -50 degrees. इसमें दर्ज हरारत 0 से 50 डिग्री कम तक पहुंच जाता है. दो ए माउंटेनस रीजन वन कैन फाइंड मैनी रोड्स बिटवीन द माउंटेनस. अगरचि ये एक पहाड़ी इलाका है यहाँ पहाड़ों के बीच कई सड़कें देखी जाती जा सकती हैं. That is what makes Ladakh the land of passes. हाँ, इसी वजह से लद्दाख को दरों का इलाका कहा जाता है. Let us learn about two specialties of Ladakh, Gurgur and monasteries. आइए अब हम लद्दाख की दो खास चीजों के बारे में जानते हैं. कौन कौन? गुरगुर और यहाँ के विहार यानी मठ. बच्चों आज का टॉपिक इस तरह से ख़त्म हुआ. दीजिए कल तक इजाज़त. खुदा हाफिज़.